महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो डॉक्टर होने के बावजूद अपनी ही पत्नी से हैवानियत का खेल खेलता था। आखिरकार अपने पति की हैवानियत से और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस के पास इस विषय में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स का नाम है पीयूष जैन। पीयूष की शादी पीड़ित महिला से 3 जुलाई 2017 को हुई थी। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आरोपी पति ने पत्नी के साथ अनैतिक व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पीड़ित महिला ने जब इस संदर्भ में अपने ससुराल वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने 50 लाख रुपए दहेज नहीं दिया है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। कलम 478 और 477 अभी के मुताबिक गुना दायर किया गया है। ये गुने में पीड़ित महिला को शादी के बाद 10 लाख रुपए अपने पिताजी के घर से ला, इसलिए उसको शारीरिक पीड़ा दी गई और उसके साथ अनैसर्गिक कृत्य किया गया, इस वजह से ये गुना दाखिल किया गया। और यही आरोपी के खिलाफ यही पीड़ित महिला ने पुलिस स्टेशन सिविल लाइन रुद्री छत्तीसगढ़ में कलम 509 और आईटी एक्ट 67 के मुताबिक, साइबर एक्ट के मुताबिक गुना दायर किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करने वाला पीयूष पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पढ़ लिख जाने के बावजूद आज के समाज में इस तरह की कुरीतियां अब भी लोगों का घर कैसे उजाड़ रही है। अकबर खान, इन24 न्यूज़, अकोला।